Hi guys, welcome back to our channel, and in today's video we'll be talking about 6 accessories that are a must have in every kitchen. हम इन 6 accessories के बारे में बात करेंगे जो आपके daily काम को बहुत easy कर देंगे किचन में. So if you're interested in this video, watch this video till the end. तो लाइक ए सेड, आज हम बात करेंगे ऐसी 6 एक्सेसरीज के बारे में जो कि एक मस्ट हैव है हर एक किचन में. ये आपके काम को ना ही जल्दी करने में हेल्प करेंगी, बट उसके साथ साथ आपको साफ और अच्छे हाइजीनिक तरीके में काम करने को भी हेल्प करेंगी. सो मूविंग ऑन टू द एक्सेसरीज दैट आर इन क्वेश्चन टुडे. सो द फर्स्ट एक्सेसरी और स्टोरेज कंटेनर दैट वी हैव हियर इज दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट. Now this is a Meyer Kitchen Hacks vacuum container. अब ये एक normal storage container से बहुत ज़्यादा हटके है. एक normal जो storage container हम घर में use करते हैं वो generally airtight container होते हैं, और ये है एक vacuum container. दोनों में बहुत major difference होता है. When we talk about an airtight container, you take your ingredients or masala or anything that you want to store, you keep them in the product and you simply close the lid. उसके अंदर की जो हवा है वो अंदर ही रहती है, जिसकी वजह से आपके अंदर का जो खाना है वो बहुत जल्दी खराब हो जाता है. This is where the vacuum container steps in. Now this is a container that has this patented technology in the lid, जो इसके अंदर की सारी excess air को pull out कर लेती है, और आपका जो अंदर का product है या आपने जो भी ingredient इसके अंदर store करा हुआ है वो 3-4 टाइम्स ज़्यादा फ्रेश रहता है, क्रिस्पी रहता है. इट कैन बी बिस्किट्स, इट कैन बी चॉप्ड अनियन, इट कैन बी चॉप्ड गार्लिक. एंड द गुड थिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज इसके अंदर की जो स्मेल है, जो भी आपने इसके अंदर स्टोर करा हुआ है उसकी अगर कोई स्मेल है वो कभी भी आपके फ्रिज में नहीं आएगी. लाइक इफ वी स्टोर जिंजर गार्लिक अनियन इन अ फ्रिज, उसकी एक स्मेल आ जाती है पूरे फ्रिज में, जिससे बाकी इंग्रेडिएंट्स और बाकी चीज़ों का टेस्ट थोड़ा सा चेंज हो सकता है. इसके अंदर अगर हम स्टोर करेंगे सो देर इज नो चांस ऑफ क्रॉस कंटेमिनेशन, एंड दैट इज व्हाट मेक्स योर फूड सेफर एंड हेल्दियर. सो दैट वाज अबाउट द Meyer वैक्यूम कंटेनर. मूविंग ऑन टू अ डिफरेंट एंड अ वेरी इनोवेटिव एंड अ वेरी नाइस प्रोडक्ट, स्पेशली फॉर पीपल हु आर ट्राइंग टू हैव अ वेरी बैलेंस्ड और अ वेरी हेल्दी डाइट. Now this is a Meyer Salad Chef. This is an automatic salad dressing maker. With this product you get the Salad Chef, the device, and this container jiske andar already markings and quantities are printed, jo ki aap iske andar bahut sari dressings bana sakte hain. Like for example, one of the dressings is balsamic vinaigrette. अगर आप salads खाना पसंद करते हैं, अगर आप fresh vegetables अपने meal के साथ खाना पसंद करते हैं, and you want a really nice fresh salad made in your house so that you know exactly what has gone inside, this is the perfect product for you. So like I said, कि अगर आपको अपने घर में एक salad बनाना है, आपने vegetables काटी, and let's say आपको उसके साथ एक Dijon vinaigrette या balsamic vinaigrette की dressing चाहिए. सो इस जार के ऊपर सारी क्वांटिटीज़ विद मेजरमेंट्स सब लिखी हुई है, एंड लाइन भी दी गई है. सो फॉर एग्जांपल अगर हम बालसामिक विनेग्रेट की बात करें, इसके अंदर जाएगा 1/2 कप ऑफ बालसामिक विनेगर. अब इसके अंदर एक मार्किंग बनी हुई है, अगर आप कप के हिसाब से मेजर नहीं करना चाहते, यू कैन सिंपली पुट बालसामिक विनेगर टू दिस लाइन. देन उसके अंदर आपका जाएगा 1 कप ऑफ ऑलिव ऑयल विच इज़ 250 ml. अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि 250 ml मेजर कैसे करें या 1 कप कौन सा कप यूज़ करें, सो अगेन इसके अंदर एक लाइन है. आप इस लाइन तक ऑयल डालें, इस लाइन तक विनेगर डालें, सिंपली इस प्रोडक्ट को इसके अंदर प्लेस कर दें, एंड इसके ऊपर एक बटन है उसको आप प्रेस कर दें. द सैलड शेफ विल वर्क एज एन इमल्सिफायर. इट विल इमल्सिफाई योर ड्रेसिंग्स, एंड यू कैन हैव फ्रेश सैलड्स विद फ्रेशली मेड ड्रेसिंग्स राइट इन योर होम. लेट्स अज्यूम आपने इसके अंदर इतनी ड्रेसिंग बनाई इस लाइन तक, बट ऑब्वियसली आप इतना कंज्यूम नहीं करेंगे अगर आप एक सैलेड का पोर्शन खा रहे हैं. आपने सिंपली ऊपर से पोर की अपनी ड्रेसिंग, एंड यू हैव अ वैक्यूम सील स्टॉपर. आपने इसके अंदर स्टॉपर लगाया, नाउ यू कैन स्टोर योर ड्रेसिंग इन दिस पर्टिकुलर जार इन योर फ्रिज फॉर अप टू 3-5 डेज.
So whenever you feel like having a snack or a meal or just having a light salad, you have a freshly made dressing ready in your fridge for any time. So that was the Meyer Salad Chef. Moving on to the choppers. Now these are the two choppers that Meyer has, which are very, very handy in our daily life. Trust me, these two products are a blessing to have in your kitchen. Like, I work in a kitchen on a daily basis. I'm pretty sure that many of you might be doing the same. And the worst part, or the most time consuming part of cooking, is the chopping and peeling and mixing and whipping. So jo ki hum prep mein apna time jo spend karte hain, it can be chopping garlic, it can be chopping ginger, it can be grating something, it can be a lot of things. These two products simply take out all the hassle from your food prep. When we talk about this mini chopper, iske andar ek blade hai. This is perfect for your ginger and garlic. Like, we all know that ginger and garlic is a staple in every Indian food, and गार्लिक के बिना कोई भी खाना कंप्लीट नहीं होता है. सो आपको सिंपली अपना पील जिंजर या गार्लिक इसके अंदर डालना है, इसका लिड प्लेस करना है, ये अपनी जगह पे लॉक हो जाता है. एंड इसके नीचे एक मैकेनिज्म है दैट इज़ लाइक अ टायर. सो आप सिंपली इसको एक प्लेटफॉर्म पे या सरफेस पे प्लेस करें और इसको बैक एंड फोर्थ बस मूव करें. इसके अंदर आपको कोई जान लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपना हाथ इस्तेमाल करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई एफर्ट नहीं लगेगा. यू सिंपली हैव टू पुट योर वेजिटेबल्स इनसाइड दिस एंड सिंपली रन इट अलोंग एनी सरफेस. जब ये टायर घूमता है, इसके अंदर के ब्लेड्स घूमते हैं एंड दिस विल फाइन चॉप एनीथिंग यू पुट इन इट. इट कैन बी लाइक आई सेड जिंजर और गार्लिक, इट कैन बी नट्स. अगर आपको एक नट का पाउडर चाहिए, आमंड का, कैशू का, एटसेट्रा, आप इसके अंदर कुछ भी डालिए एंड आगे पीछे कर दीजिए एंड यू विल गेट वेरी फाइन पेस्ट. दैट वॉज अबाउट द मिनी चॉपर. नाउ इफ यू टॉक अबाउट द किचन एक्स मास्टर चॉपर, इसके अंदर यू कैन डू ऑलमोस्ट एनीथिंग. सो आपको कुछ भी, जैसे पराठे बनाने हैं फॉर एग्जाम्पल, एंड उसके लिए आपको गोभी चाहिए, गोभी के पराठे बना रहे हैं फॉर ब्रेकफास्ट, आपने सिंपली एक पूरा कॉलीफ्लावर का फ्लावर लेना है, इसके अंदर डालना है, ढक्कन को प्लेस करना है 3 seconds एंड यू हैव परफेक्टली चॉप्ड कॉलीफ्लावर विच इज़ लाइक एकदम सॉफ्ट, एकदम नाइसली डन इन फ्रंट ऑफ यू, वेरी हाइजीनिकली. किसी भी पॉइंट पर आपके हाथ या फिर कोई भी डर्टी सर्फेस इसके अंदर कॉन्टैक्ट में नहीं आया. आपने इसी के अंदर सारी चॉपिंग करी, इसी के अंदर अपनी मिक्सिंग करी और इसी के अंदर आपने स्टोर भी कर लिया. इट कम्स विद अराउंड 10-12 अटैचमेंट्स. सो एवरी अटैचमेंट हैज़ अ डिफरेंट यूज एंड इट विल कट डाउन ऑल योर किचन प्रेप टाइम बाय हाफ. सो दैट वॉज अ माया मास्टर चॉपर. मूविंग ऑन दिस प्रोडक्ट दैट वी हैव हियर, दिस इज अ 3-in-1 विस्क. अब एक विस्क ऐसी चीज़ है जो कभी भी रीइन्वेंट नहीं हुई है इतने सालों में हमारे किचन में. एक विस्क है जो हमारे किचन में होती है जिससे हम चीज़ें फेंटते हैं, वो अंडा, दही, कुछ भी हो सकता है. दैट हैज़ नॉट बीन रीइन्वेंटेड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम. एक ही वो विस्क है जो हम सब देखते आए हैं और वो वैसी की वैसी ही है. दिस इज़ अ टोटली न्यू प्रोडक्ट एंड इट्स वेरी डिफरेंट. सो दिस इज़ अ 3-in-1 विस्क. नाउ दिस ओपन्स अप, दिस हैज़ मैग्नेट्स जिससे ये शट रहता है एंड ये 3 के अंदर डिवाइड हो जाता है. सो दिस इज़ अ रेगुलर विस्क जो हम अपने घर पे देखते होंगे जिससे हम अंडे, दही, कुछ भी फेंट सकते हैं. द सेकेंड वन इज अ विपिंग विस्क. इससे आप एग्स के लिए यूज़ करना चाहिए इसको. सो जब आप इसको यूज़ करते हैं अपने एग्स के लिए, दे टर्न आउट मच मच फ्लफियर एज कम्पेयर टू दिस. जब हम ये ऐसे टाइप की विस्क यूज़ करते हैं, हमारा जो रेगुलर मोशन होता है वो क्लॉकवाइज होता है या फिर एंटी क्लॉकवाइज होता है, बेसिकली सर्कुलर होता है. हम ऐसे यूज़ करते हैं, बट व्हेन वी टॉक अबाउट दिस विस्क, ये इसका जो मूवमेंट है वो अप एंड डाउन है. सो इसके अंदर आपकी एनर्जी भी सेव होती है, आपका एफर्ट भी सेव होता है. इसके अंदर जितना आप एफर्ट लगाएंगे गोल गोल घुमाने में, इसके अंदर सिंपली आपको ऊपर नीचे करना है एंड इट विल गिव यू मच मच फ्लफियर एग्स. एंड द थर्ड वन वी हैव, दिस इज़ अ नायलॉन विस्क. दिस इज़ स्पेसिफिकली मेड फॉर नॉनस्टिक कुकवेयर. अगर आप अपने नॉनस्टिक कुकवेयर में कोई सॉस बना रहे हैं या कोई भी चीज़ बना रहे हैं जिसको मिक्स करना है आपने,
नॉनस्टिक के अंदर आपको मेटल नहीं यूज़ करना होता है. सो एग्जैक्टली इसी के लिए एक नायलॉन विस्क भी दिया हुआ है, सो दैट यू कैन यूज़ इट ऑन योर नॉनस्टिक कुकवेयर. एंड वंस यू आर डन यूजिंग इट, सिंपली प्लेस द स्मॉल विस्क इनटू दिस, यू टेक दिस एंड यू प्लेस इट ऑन टॉप एंड इट शट्स डाउन एंड इट्स सिक्योर्ड विद मैग्नेट्स. सो अब ये ऐसे कैसी रहेगी. सो यू गेट 3 विस्क इन द स्पेस ऑफ 1. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी हैव अ सिलिकॉन कवर ओवर. Now this is a product which is a universal lid. आप इस lid को किसी भी product के ऊपर place कर सकते हैं while cooking. You can place it on fry pans, kadais, casseroles, etc. And it will fit on any and every product. You can use it while cooking, you can use it after cooking. अगर आपने कुछ भी अपने fridge में store करा हुआ है, आपको उसको cover करके रखना है, आप simply ये उसके ऊपर रख सकते हैं. This is made out of 100% FDA approved silicon. It is heat safe. आप इसको 200 degrees तक गर्म कर सकते हैं. ऐसे कैसे ही रहेगा, इसीलिए आप इसको cooktop के ऊपर भी use कर सकते हैं. And the moment you place it on top of a cookware, it creates a suction, जिसकी वजह से ये lid एकदम secure हो जाती है. Like for example, this is the lid. You can see there is nothing besides the lid. I place it on this surface and because of the suction, it will not come up. ये अपनी जगह को नहीं छोड़ेगा. इट बिकम्स वेरी वेरी सिक्योर, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. अब इफ यू हैव टू रिमूव दिस लिड, ऐसे तो ये उतरेगी नहीं. यू कैन सी हाउ मच फोर्स आई एम पुटिंग एंड इट्स नॉट कमिंग आउट. बट इफ यू वांट टू रिमूव इट, यू सिंपली टेक द साइड एंड यू पुल इट आउट. अगर आप साइड से पकड़ के उठाएंगे, ये एक सेकेंड में बाहर आ जाएगी. बट अगर आप इसको ऐसे रखेंगे, आप सेंटर से उठाएंगे, इट विल नॉट कम अप. सो इसकी वजह से आपका जो खाना है वो बिल्कुल भी अनसेफ नहीं हो सकता इन वाइल कुकिंग. इसके अंदर कुछ गिरने या मिक्स होने के चांसेस नहीं है. आप इसको कुक करते टाइम भी अपने किसी भी कढ़ाई प्रोडक्ट के ऊपर रख सकते हैं एंड आप कुकिंग कर सकते हैं. एंड वंस यू डन, यू सिंपली पिक इट फ्रॉम द साइड एंड यू आर गुड टू गो. सो अकॉर्डिंग टू मी, दीज वर द 6 प्रोडक्ट्स दैट एवरी किचन नीड्स एंड इज अ मस्ट हैव फॉर एवरी वन हु लव्स टू कुक. So that was it from this video. I'll be back with more such videos. In the meantime, do subscribe to our channel and I'm gonna see you soon.